हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ। हमने इस रेस्टोरेंट को रिसेंटली स्टार्ट किया है और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि जब हमारे जो गैस की पाइपलाइन होती है ना, उससे गैस का रिसाव होता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लगाया था जो जस्ट 3 दिन में खत्म हो गया। तो रीजन क्या था, जो गैस की पाइपलाइन हम लोगों ने फिट करी थी वो लीकेज हो रही थी। अब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग कोई ऐसा ऐसे मेजरमेंट नहीं करते कि भाई कितना गैस लगेगा क्या लगेगा, बट एक्चुअली में हमको वो करना चाहिए। क्योंकि अगर अगर आपके पास कोई एक एक्सपीरियंस शेफ है या जिससे भी आपने अपनी कंसल्टेंसी करवाई है, तो वो चीज़ इस चीज़ को बता पाएंगे। अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है। आप ये देखेंगे दीवार में पीछे से निकल के यहाँ पे ये गैस का पूरा यहाँ पे पाइपलाइन बनी हुई है। ये हमारा ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो गैस बैंक का सेटअप है, यहाँ पे हमारे तीन हमारे यहाँ पे कनेक्शन है। ये रेगुलेटर है, ये ऑन ऑफ का यहाँ पे हमारा सिस्टम है। जब भी हम लोग यहाँ पे गैस कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारी गैस निकल रही है। अब ये गैस कैसे निकल रही है, हम पता कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली एक साबुन का झाग बनाना होता है। थोड़ा सा पानी डालना है आपको और ढेर सारा साबुन डालना है। कोशिश कीजिए कि जो निरमा या जो पाउडर वाला होता है उसे अच्छे से झाग बनाना है। फिर उस झाग को स्पॉन्ज की सहायता से जितने भी पॉइंट्स है, मतलब कि जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, फिर आपका यहाँ एक ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, जितने भी ज्वाइंट है उन पे आपको उस साबुन के पानी को डालना है। जब आप उस साबुन के पानी को या झाग को उधर डालेंगे ना, तो वहां से बबल 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 उठने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर बबल्स वहां से उठ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर जगह से हमारी जो गैस का रिसाव हो रहा है। मैं यहाँ वीडियो के साइड में भी लगा दूंगा, जैसे कल हमने वो पूरी टेस्टिंग करी थी, ठीक है, जिससे कि हमको पता चला कि कहाँ से गैस का रिसाव हो रहा है। क्योंकि अगर मैंने ये सिलेंडर अभी यहाँ लगाया है और मैं कुछ भी खाना नहीं बना रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे 12-15 घंटे ऐसे ही लगा के रखूंगा ना, तो मिनिमम मैं बोलूँ 1.5 से 2 किलो हमारी गैस फ्री ही चली जाएगी, ठीक है, जिसका कि कोई यूज ही नहीं है। तो आप लोगों को हर वीक में या एटलीस्ट 15 दिन में अपने जो गैस की टेस्टिंग करते रहनी चाहिए कि वो कहाँ से लीकेज हो रही है। और इसकी एक प्रकार की आपको SOP भी बना लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। A few moments ago. मात्र हमारा जो गैस का सिलेंडर 3 दिन में खत्म हो गया। अब हमने उसकी पड़ताल चालू करी, ठीक है। तो हमने जो अपने बैकएंड पे था, ये जो कनेक्शन था वहां पे चेक किया, ठीक है, साबुन पानी से, आप लोग भी कर सकते हैं, और हमने हर जॉइंट्स पे डाला। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे ये हमारे ये बबल्स हमारे यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है जी। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से गैस हमारी का जो हमारी रिसाव हो रहा है। अब इस गैस को अगर मैं बोलूँ कि अगर ये मैंने सिलेंडर लगाया है, तो पूरे दिन में हमारी 2 से 2.5 किलो गैस हमारी आपकी जो वेस्ट में जा रही है। और इवन इससे हो सकता है कि आजू बाजू में अगर कुछ चीज़ें जल रही हो, फायर हो, तो खतरा भी हो सकता है कि भाई वो चीज़ें यहाँ पे जल जाए या ब्लास्ट हो जाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन चीज़ों का। एक तो इससे क्या है, आपके गैस का पता चलता है। दूसरा, अगर कहीं से गैस लीक हो रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, आग लगने का खतरा हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो गैस लीकेज को ट्रैक करना, उसको चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो का मैसेज आप लोगों के यही था। बाकी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर्स आप लोगों को दिए गए हैं। जय हिंद।